नमस्कार, मैं राम निवास कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दिखाने वाला हूं कतर का वो रईस इलाका जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। एक पर्ल कतर का इलाका है, मैंने कई एपिसोड बनाया हूं पर्ल कतर मरीन का और कनाट क्वार्ट का। और यहाँ पर देखिए ये फाउंटेन है, रोड के ऊपर है, कोई पार्क में या गार्डन में फाउंटेन नहीं। और यहाँ तक ये राउंड बोर्ड है, राउंड बोर्ड के बीच में फाउंटेन बना दिया गया पानी का फुहारा और ये दिन रात चलते रहता है। और इसमें रात को कलर भी आता है, इसमें लैंप वगैरह जलता है, लाइट जलता है। चलिए हम ये रोड से गुजरते हैं, बहुत ही शानदार रईस इलाका है और अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया था, काफ़ी सुंदर रईस इलाका है। तो देख लीजिए यहाँ किस तरह के घर होते हैं, ये बहुत ही रईस इलाका। इधर बहुत अच्छे अच्छे बंगला है और यहाँ पर रोड के ऊपर देख लीजिए किस तरह की हरियाली है, घास है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जहाँ तहाँ से हम वीडियो को स्किप करके ले रहा हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ साइड से बंगला है और इस बंगला के पीछे में समुंदर शुरू होता है। तो समुद्र किनारे जस्ट यहाँ से राइट साइड से जो घर देख रहे हैं, बस इस घर के पीछे समुंदर ही शुरू हो रहा है। तो मैं उसका भी नज़ारा दिखाऊँगा, आगे चल के जाने का रास्ता है। तो देखिए कितनी हरियाली रोड के ऊपर है, कितना सफाई यहाँ के रोड होते हैं। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल एम्प्लॉय होते हैं, रोड सफाई करने वाला सफाई कर्मी होते हैं। और यहाँ सब घास वगैरह लगाए गए हैं, सब गवर्नमेंट की तरफ से। बाहर जो देख रहे हैं नज़ारे, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से है। तो बहुत ही शानदार यहाँ वातावरण होता है, स्वच्छ होता है। और यहाँ देखिए बाहर के सब यूके वाले लोग इधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुत्ता लेकर के, डॉग लेकर के। और अभी जस्ट दिन का 10 बज रहे हैं और आज फ्राइडे का दिन है। तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे का दिन है। ऐसे तो हो सकता है ये वीडियो अपलोड होते होते पता नहीं कौन सा दिन आएगा। तो ये है कतर का ये नज़ारा, बहुत ही स्वच्छ, बिल्कुल शांत इलाका। पर्ल कतर, कतर का सबसे फेमस पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। इधर लोग बाहर के जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो ये इलाका ज़रूर घूमते हैं। और इसका मैं कई वीडियो बनाया हूँ पर्ल कतर का। कनॉट क्वार्ट आप देखे होंगे ना, इटली शहर का रोम, यहाँ कतर का पर्ल कतर में ही बनाया गया है। और इसके अलावा मैं वो पर्ल कतर का मरीन भी दिखाया हूँ, कितना शानदार है। और ये इलाका चलते हैं, लंबा आगे चल के दिखाता हूँ कहाँ तक ये गया है। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ बंगले और इस तरह से रोड, बंगला के आगे देखिए कितना पैदल चलने का स्पेशल साइड में देखिए रोड होता है दोनों तरफ। इसके अलावा फिर ये रोड है, ये समझिए गली है, गाँव की गली है, कोई हाईवे या कोई बड़ा रोड नहीं है, एक गली समझ लीजिए। गांव की इस तरह की गलियां होती है, गलियां समझ लीजिए, इतने लंबे चौड़े, इतने शानदार हरियाली, हरे भरे, गांव की गली है, इसको रोड मत कहिए, गली कहिए तो बेहतर होगा। फिर भी देखिए घर से कितना हट के ये सब पार्क होता है, घास का मैदान होता है, फिर पैदल चलने का साइड में रास्ता होता है, फिर उसके अलावा फिर इधर रोड होते हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ जगह स्पेस होते हैं काफ़ी शानदार। और फूल पत्ती यहाँ पर देखिए कोई नुकसान नहीं करता, यहाँ किसी भी तरह का कोई पेड़ पौधा है, फूल पत्ती है, कोई नहीं बर्बाद करेगा इधर गवर्नमेंट की संपत्ति को, और ज़रूरत ही क्या है। तो इतने शानदार यहाँ पे देख लीजिए नज़ारे, दिलकश नज़ारे यहाँ पे रोड का और बंगला देख लीजिए, सब रईस इलाका इधर है, बहुत शानदार इधर का सीन उभर के सामने आ रहा है। और चलिए मैं आगे चलता हूँ, लास्ट उधर समुद्र का नज़ारा भी दिखाऊँगा किनारे में। तो देखते जाइए, बस बताने के लिए किया है, मैं हर वीडियो में कतर की बड़ाई किया हूँ, इसकी विशेषता को बताया हूँ। यहाँ का रूल नियम बहुत ही शानदार है, ना लो है ना हाई है, बहुत ही बाहर के जितने भी परदेशी लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं सबके लिए बहुत ही अनुकूल है यहाँ के गवर्नमेंट का रूल, कोई ज़्यादा कठोर नहीं है। और जहाँ ज़रूरत है सुरक्षा की, वहाँ मिनटों में आपका सुरक्षा अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बीच है और इधर जाने का रास्ता है, लेकिन अभी ये रास्ता लगता है बंद कर दिया गया है, यहाँ पे अभी लॉक लगा है। पहले खुला रहता था, इधर से सीधा गाड़ी जाता था और लोग भी जाते थे समुंदर किनारे। तो बहुत ही शानदार बीच है, देखिए बस इस घर के पीछे में। तो इसका कीमत क्या लगा सकते हैं घर का, जो समुंदर किनारे इतने अच्छे अच्छे बंगले है, तो इसका रेंट कितना होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ से तो जाने का रास्ता नहीं है, देखिए वो सब समुंदर में किनारे, बीच किनारे सब बोट चल रहे हैं, क्रूज है। तो मैं दूसरे रास्ते से भी जाऊंगा, दिखाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में, आप देखेंगे उधर का नज़ारा मैं दिखाऊंगा दूसरे साइड से जा करके।
तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी और चल के दिखाता हूँ कतर देश की किस तरह के वातावरण है, किस तरह घर हैं, यहाँ रहने के लिए किस तरह का बंगला होता है, किस तरह स्पेस होता है, हरियाली होती है, साफ़ सफाई। यहाँ देखिए सारा सिस्टम ज़मीन के अंदर होता है ड्रेनेज का, मेन जो गंदगी होता है ड्रेनेज का ही होता है। यहाँ पर देखिए सारा सिस्टम ज़मीन के अंदर बैठाया रहता है, पीने वाला पानी हो, नहाने वाला पानी या फिर वेस्ट पानी हो, तो सब सारा कुछ, या इलेक्ट्रिकल का केबल। देखिए ऊपर आसमान में कहीं भी बिजली का तार नहीं दिखेंगे, सारा कुछ अंदर ग्राउंड रहता है यहाँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ स्मार्ट ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए जुड़ने के लिए। इतने शानदार नज़ारे कतर के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर तरह का मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ। तो गल्फ़ कंट्री में अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले कतर आइए, बहुत ही शानदार देश है कतर देश, और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल है, नरम विचार के हैं और ईमानदार लोग होते हैं कतरी। तो कतर में ज़रूर आइए अगर गल्फ़ में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो। और ये सब देखिए कितना साफ़ सफाई, कितना शानदार बंगला, और यहाँ पर पार्क देखिए, सब रोड किनारे ऐसे ही लगाया गया घास का मैदान, पार्क वगैरह, हरियाली देखिए, पेड़ पौधे कितना सॉलिड सटीक सब है। और ये कोई मेन रोड भी नहीं है, गांव की इसको गली कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम छोड़े जाते हैं, आप लोग आनंद लीजिए वीडियो का और देखते जाइए कतर देश का नज़ारा। और इधर अब आ चुके हैं समुंदर किनारे, तो आइए समुंदर किनारे का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए किस तरह के समुंदर किनारे एक मेल से एक डिजाइन से बिल्डिंग बनाया गया है। रात को इसका नज़ारा देखिएगा तो लगेगा कि हम कहीं दूसरे ग्रह पे आ चुके हैं, आपको दिन का एहसास नहीं होगा, या धरती पे आप नहीं लगेंगे कि आप धरती पे हैं, कोई लगेगा कि दूसरे ग्रह पे आ चुके हैं, अंतरिक्ष में आ चुके हैं। जब इसका सारे बिल्डिंग का लाइट ऑन होता है, रात का नज़ारा देखिएगा। और यहाँ पर देखिए सामने में समुंदर बनाया गया है, साइड में समुंदर, इधर खोद करके पानी समुंदर का और लाया गया है अंदर सिटी में। आपने जो देखा होगा कनॉट क्वार्टर, जो इटली का रोम शहर, यहाँ कतर में बनाया गया है, तो इधर से ही पानी ले गया, कई दिशाओं से उसमें पानी गया है, तो उधर जाने का रास्ता नहीं। अभी पूरा देख रहा हूँ कि बंद कर दिया है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको काशी कुश पतेल जैसा बोलते हैं, यहाँ पर डिजाइन करके लगाया गया, हाइब्रिड वाला सब है, तो बहुत ही शानदार नज़ारा। चलिए वीडियो कैसा लगा आप तक, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और भी कतर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।